हेलो हेलो जी, मैं हूं कन्वर्जन पांडे। आप देख रहे हैं फ्रीड क्लासेस। आज करेंगे एक नया कन्वर्जन। आइए जल्दी से देखते हैं आज का कन्वर्जन। नाइट्रोबेंजीन ने बेंजोइक एसिड, बहुत ही सरल कन्वर्जन फिर से हम लेकर आपके साथ आ गए हैं। अब देखो यहाँ पे दे रखा है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। नाइट्रोबेंजीन का मतलब क्या हुआ, आपको बनाना है बेंजीन रिंग और उसके ऊपर अपना प्यारा सा छोटा सा नाइट्रो ग्रुप लगा देना है, मतलब NO2 लगा देना है। अब बेंजोइक एसिड को देख लेते हैं। तो बेंजोइक एसिड का मतलब क्या होता है, आप फिर से रिंग लगाओ, ठीक है ना, रिंग बना दी। इसके ऊपर क्या लगाना है आपको, एसिडिक ग्रुप मतलब COOH लगा दिया। तो ये क्या हो गया, बेंजोइक एसिड, और ये क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन। अब देखो नाइट्रो वाली रिएक्शन तो होती ही नहीं, कुछ है ही नहीं सिलेबस में, कहीं पर आपने पढ़ी भी नहीं। आपने सारे रिएक्शन एनिलीन की पढ़ी है, इसका मतलब आपको नाइट्रो ग्रुप को एनिलीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहली चीज। और एनिलीन से आप कहीं भी जा सकते हो, तो दिमाग में अपने हमेशा फिट रखो कि नाइट्रो से रिएक्शन ना करा के हमें एनिलीन से करानी होती है। तो नाइट्रो से उतर के कहाँ आना है, एनिलीन पे आना। अब नाइट्रो में तो लगे हैं ओ, अगर नाइट्रो में लगे हैं ओ तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको एनिलीन पे जाना है। तो एनिलीन का मतलब क्या हो गया, देखो डायग्राम का साथ एनिलीन का याद है, एनिलीन दिखता कुछ इस तरह से, क्या लगा होता है ऊपर, NH2। तो देखो यहाँ पर ओ था, यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया। तो इसका मतलब क्या कराना पड़ेगा, रिडक्शन कराना पड़ेगा। तो मतलब हमें एनिलीन का रिडक्शन कराना है, उससे क्या बनाना है, सॉरी नाइट्रो का रिडक्शन बनाना, उससे कराना है एनिलीन बनाना है, और एनिलीन से फिर जाना है एसिड पर। तो हमारा कन्वर्जन का टारगेट क्या है, पहले नाइट्रो से एनिलीन, फिर एनिलीन से एसिड तक पहुंचना है, ठीक है ना, समझ गए। तो चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं आज का कन्वर्जन, जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूँ, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और अपना यही नाइट्रो लेता हूँ जो दिया हुआ है। अब नाइट्रो पे रिडक्शन कराने के तरीके क्या क्या है, पहले वो देखते हैं। देखो रिडक्शन कराना है तो मेरे पास कई तरीके हैं नाइट्रो रिडक्शन कराने के, आपको जो अच्छा लगा वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे लाइनें खींच देता हूँ, ठीक है ना। ओके, ये तीन तरीके मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। एसिड को यहाँ जरा समेट देते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं। अब तीन तरीके क्या क्या है पहले वो देख लो। पहला तरीका है कि आप इस पर डाल दो PD और चारकोल मतलब कार्बन। तो पैलेडियम एंड चारकोल इसको रिड्यूस कराएंगे और आपको क्या आंसर कर देंगे, बिल्कुल वही करेंगे जो आपको चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा एनिलीन बन जाएगा। बोलो वासने क्या बन गया, एनिलीन बन गया, सही ना। दूसरा तरीका क्या है, आप इस पे क्या डाल दो, आप इस पे डाल दो हाइड्रोजन गैस को पास कर दो विद प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है ना, पैलेडियम या प्लैटिनम, इनमें से किसी प्रेजेंस में। ओके, तो आपका क्या बन जाएगा, फिर से रिडक्शन होगा और आपका आंसर आ जाएगा कौन सी चीज, नाइट्रो से एनिलीन बन जाएगा। यहाँ पर फिर से आंसर आ जाएगा एनिलीन बन जाएगा आपके पास। और अगर आपको ये भी ना पसंद आए तो आप तीसरी चीज क्या कर सकते हो, आप इसके ऊपर डाल दो SN HCl और इसमें इसके यहाँ पे FeHCl, ठीक है ना, FeHCl वाला ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। आप ढूंढना क्यों ऐसा है, ठीक है, मुझे बताना कमेंट करके। यहाँ पर मैंने क्या डाला, SN HCl या FeHCl डाल दिया, सही है। तो यहाँ पर भी रिडक्शन होगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, एनिलीन आ जाएगा। तो तीन तरीकों से आप एनिलीन बना सकते हो नाइट्रो से। अब आपके दिमाग में हो सकता है ये आ रहा हो कि आप तो बार बार यूज करते हो, कौन सी चीज आप यूज करते हो बार बार, ये वाला रिएक्शन दिखा दे रहा हूँ आपको, वो भी आप लिखते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और आप कहते हो तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में आता है। तो देखो हर चीज की लिमिटेशन होती है, अगर मैं इसको डालूंगा तो क्या यहाँ एनिलीन बनेगा, तो आंसर है एनिलीन बिल्कुल नहीं बन सकता, मैं लिख रहा हूँ तो एनिलीन बिल्कुल नहीं बन सकता। इससे क्या बनता है, जब आप डालते हो किस चीज को, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, तो नाइट्रोबेंजीन से क्या बन जाता है, आपका एजोबेंजीन बन जाती है, मतलब दो रिंग NK थ्रू किससे जुड़ जाएंगी, किससे जुड़ जाएंगी, हाँ आपस में जुड़ जाएंगे, किससे क्या, आपस में जुड़ जाएंगी और आपका बन जाएगा एजोबेंजीन, ठीक है ना। क्या आंसर होता है, एजोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। जो आप नाइट्रो को क्या करते हो, ये नाइट्रोबेंजीन को आप क्या करते हो, लीजिए उन्होंने हाइड्राइड के संग डालते हो। अगर ये रिंग ना होती, समझना ध्यान से सुना, अगर ये रिंग ना होती और तब आप यहाँ पर कोई कार्बन चेन होती और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते तो आपको बाकायदा अमाइन ही मिलता, जैसे इन सब में मिला है अमाइन अमाइन अमाइन। लेकिन ये कौन सी एरोमेटिक रिंग वाले नाइट्रो यानी नाइट्रोबेंजीन से नहीं बना सकता, क्या चीज, एनिलीन नहीं बना सकता। फिर से मैं बोलता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो, अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल ये लेते आर नाइट्रो और आर के आप ये कार्बन चेन लगा देते, मतलब मान लो CH3 लगा दो और इसके ऊपर आप डाल दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्या, अमाइन। ओके बात सुन रही, लेकिन जैसे आपने इसको रिंग करा ये तुरंत आंसर क्या कर देगा, बेंजीन कर देगा, बेंजीन को ना सॉरी बेंजीन कह रहा, एजो बेंजीन कर देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपके पास तीन रिडक्शन के मेथड है, ये वाला,
ये वाला गया, ये वाला, इसको यूज करके आप यहां तक पहुंच सकते हो, कहां तक, एनिलीन तक पहुंच सकते हो। तो अब मान लो मैं इस वाले मेथड से आ गया एनिलीन तक, मैं एक को एरो लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं एनिलीन तक आ गया यहाँ से। अब एनिलीन पे क्या करते हैं, तो एनिलीन पे आप डालो NaNO2, मतलब सोडियम नाइट्राइड डाला आपने, प्लस साथ में क्या करो HCl डालो। इन दोनों के जुड़ने से क्या बनता है आपका, नाइट्रस एसिड बनता है। क्या बनता है, HNO2 बनता है। क्या बोलते हैं इसको बेटा, नाइट्रस एसिड बोलते हैं। और नाइट्रस एसिड जैसे बनेगा उसको आप डालोगे, तुरंत पोर करोगे किसके ऊपर, एनिलीन के ऊपर, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे क्या हम लोग, तो मैं बता चुका हूँ, इसे बोलते हैं डाइएजो टाइजेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हो गई। इससे होता क्या है, आपका तुरंत तैयार हो जाएगा कौन सी चीज, आपकी तैयार हो जाएगी डाइजोनियम सॉल्ट। मैं लिख देता हूँ डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N और पहले वाले पॉजिटिव, उसके बाद Cl बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये हो गया बेंजीन और साथ में हो गया डाई एजोनियम और आखिरी में लगाए आयन जिसका नाम है क्लोराइड आयन, तो नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नाम हो गया। और ये किस रिएक्शन से बनता है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन से बनता है, एनिलीन के ऊपर कराने से, ठीक है ना। ओके चले आगे। अब अगर इसमें हम क्या डाल दें, अगर हम इसमें सिंपल सा अपना CuCN को डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ KCN, मतलब KCN के सोल्यूशन में आप CuCN मिला के डाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका यहां पर रिएक्शन होकर आंसर में आ जाएगा साइनाइड ग्रुप, ठीक है ना, यहाँ क्या बन जाएगा, साइनाइड ग्रुप आपका आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस कंपाउंड को आप बता सकते हो मुझे, तो बताइए क्या बोलेंगे सर, साइनो बेंजीन, इसका नाम क्या हो गया, साइनो बेंजीन, या अगर बेंजीन के टर्म्स में ऐसे पढ़ें तो ऐसे पढ़ सकते हो बेंजो नाइट्राइल। मैंने आपको बताया था अगर बाहर एक भी हाइड्रोजन ना बचे, सारे बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के संग हो जाएं, तो उसे क्या बोलते हैं, बेंजो और नाइट्राइल साथ में लगा हुआ है, तो नाम हो गया बेंजो नाइट्राइल, ठीक है ना। तो इसके दो नाम हो सकते हैं, या तो बोलोगे साइनोबेंजीन या बेंजो नाइट्राइल बोलोगे। ओके अब यहाँ पे साइनाइड ग्रुप बन चुका है जैसा कि आप देख रहे हो, और साइनाइड ग्रुप की हाइड्रोलिसिस क्या बनता है, एसिड ग्रुप बनता है। इसकी कौन से हाइड्रोलिसिस से बनता है, कंप्लीट, अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओ कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, तो उससे क्या बनता है आपका, यहाँ पर एसिडिक ग्रुप आ जाता है, तो एसिडिक ग्रुप आ जाएगा। और आपके रिंग पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो रिंग तो एज इट इज रहने वाली है, तो रिंग ऐसी कैसी रह जाएगी, बोले बस नहीं, तो आपका क्या बन गया, यही तो है बेंजोइक, बेंजोइक एसिड। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस डाला क्या होगा, तो वो तो लिखना पड़ेगा ना, रुपए आपने क्या डाला, तो उसमें आपने डाला एच पॉजिटिव और पानी, मतलब इसे कैसे और बोल सकते हो, इन दोनों को मिलाकर बोल सकते हो, कैसे मिलाकर बोलते हैं, आप इसको बोल सकते हो इस तरह से H3O पॉजिटिव, या कह सकते हो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, आपका बन गया बेंजोइक एसिड। अच्छा बेंजोइक एसिड का एक और नाम आप बोल सकते हो, जो ज्यादा ज्यादा अप्रोप्रिएट नेम है, जो ज्यादा सही है, वो क्या है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो ये दोनों ही नाम सही है, मतलब ऐसा नहीं कि गलत है, ऊपर वाला नीचे वाला ज्यादा सही है, बस वो खाली थोड़ा कूल दिखने के लिए बता दिया। लीजिए बन गया हमारा प्रोडक्ट, हमने यही तो बनाया था, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड हमको बनाना था, हमने सबसे पहले क्या रिडक्शन कराया, सबसे पहले क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ था, ये पहला स्टेप था, यहाँ पर आपने व्हाइट वाली साइड में चल रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर आपने रिडक्शन कराया था, और मैंने आपको रिडक्शन के तीन तरीके दिखाए, ये भी रिडक्शन था, ये भी रिडक्शन था, ये भी रिडक्शन था, कोई भी यूज कर सकते थे। रिडक्शन के आपने कौन से रिएक्शन कराई, फिर आपने कराया डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कराई, फिर आपने CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN कराई, जिसको आप बोलते हो सैंडमेयर रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन हो गई। ओके फिर आपने क्या कराया, फिर आपने कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई, और आपको आंसर क्या मिल गया, बेंजोइक एसिड मिल गया। तो इस तरह से हमने आज का अपना प्रोडक्ट बना लिया, और जाने से पहले मेरे सवाल का जवाब देते हुए जाना, ठीक है ना भाई। ओके बहुत अलग है आज का सवाल, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ विच इज मोस्ट एक्सपेंसिव डाई, ठीक है ना, आपको बताना है विच इज मोस्ट एक्सपेंसिव डाई, सबसे महंगी डाई कौन सी होती है, आपको मुझे ये बताना है ढूंढ कर फटाफट से, क्योंकि डाइज के बारे में बीच में बहुत बात हुई इस कन्वर्जन में, तभी पूछ रहा हूँ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले कन्वर्जन में आपसे, तब तक ख्याल रखो अपना, खुश रहो।